सोमवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पूज्य माता जी के 14वें पुण्यतिथि पर पैतृक गांव कल्याण विघा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले देवी स्थान पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद रामलखन सिंह वाटिका जाकर अपने स्वर्गीय माता परमेश्वरी देवी की 14वीं पुण्यतिथि के मौके पर पुष्प अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धा सुमन दिए। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी कविराज रामलखन सिंह वाटिका में स्थित अपनी पत्नी व पिता की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। पूर्व की तरह वाहनों का काफिला रुकते ही सबसे पहले देवी स्थान पहुंचकर पूजा अर्चना कर सुख शांति व समृद्धि की कामना की। इसके बाद घंटों से प्रतीक्षा कर रहे उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सीएम नीतीश कुमार रामलखन वाटिका पहुंचे, जहां अपने माता परमेश्वरी देवी, पिता कविराज रामलखन सिंह व पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वाटिका से बाहर निकलने के बाद दर्जनों फरियादियों की शिकायत भी सुनी और उनका आवेदन लिया। कल्याण विघा में सीएम के आगमन को लेकर पुलिस व सामान्य प्रशासन काफ़ी चौकस थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा वाटिका के आसपास रस्सी तानकर घेराबंदी कर दी गई थी, ताकि कोई भी वाटिका के आसपास पुलिस के बगैर अनुमति के प्रवेश ना कर सके। साथ ही सीएम तक लोग नहीं पहुँच पाए। वाटिका के पास पहुंचते लोगों के हाथ व पॉकेट में आवेदन देखते हुए अधिकारी झपट लेते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन के बाद वाटिका से बाहर निकलते ही आवेदन लेकर फरियादी सुनाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद मुख्यमंत्री लोगों का आवेदन लेकर फरियाद सुनने लगे। डीएम को जगह जगह निर्देश देते रहे। वहीं लगभग आधा घंटा तक फरियाद सुनकर जिलाधिकारी व राज्य स्तरीय अधिकारियों का आवेदन बढ़ाते गए। इसके बाद वह अपने पैतृक घर गए, जहां लगभग 20 मिनट रुके। वहां अपने से मुलाकात कर हाल समाचार पूछा। मां की याद में निर्गुण गायन का आयोजन किया जा रहा था। देवी स्थान में सीएम द्वारा पूजा अर्चना के बाद लोगों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।